हेलो क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 34 नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 34 में। नेशनल सिंबल्स मीन्स क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय चिन्ह। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 34 में। और वैसे आप लोग को पता ही होगा कि हमारा राष्ट्रीय सिंबल जितने भी हैं, जैसे पूछते नहीं कि आप जो है हमारा राष्ट्रीय जो है झंडा कौन सा है, नेशनल फ्लैग कौन सा है, नेशनल एंथम कौन सा है, नेशनल फ्रूट कौन सा है, नेशनल ट्री कौन सा है, तो नेशनल फ्रूट जो भी हो बच्चों, सारे बहुत सारे हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। और इसमें इस चैप्टर में बस कुछ ही दिए गए हैं, तो आपको हम इस सबको पढ़ाएंगे। और जो इस बुक में नहीं है आज हम उसको भी आपको पढ़ाएंगे, और इन सबको आपको लर्न करना है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेशनल सिंबल रिप्रेजेंट आवर कंट्री। नेशनल सिंबल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट मतलब अपने हमारे देश को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए और सही ऑप्शन पर क्या करना है? टिक करना है। क्योंकि देखिए बगल में पिक्चर दिया गया है और पिक्चर में ऑप्शन दिए गए हैं, दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो अपने देश का है, जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या करना है? टिक करना है, दिखाना है। क्या लिखा है आगे देखिए, आवर नेशनल फ्लैग मीन्स हमारा राष्ट्रीय झंडा। आवर नेशनल फ्लैग मीन्स झंडा, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, आवर मीन्स हमारा, हमारी राष्ट्र राष्ट्रीय झंडा। तो देखिए ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखिए ये दो ऑप्शन ए और बी हैं, तो आपको तो पता ही है कि हमारा नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडा कौन सा है। आप सबने अपने देश का, अपने कंट्री का झंडा आप सबने देखा है और आपको पता ही है। तो देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए एंड बी। तो ए में देखिए ये भी एक फ्लैग है, ये भी क्या है बच्चों? ये भी फ्लैग है, ये दूसरे देश का है और ये दूसरे देश का है। तो बताइए इसमें से कौन अपने देश का है? तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये जो रेड एंड ब्लू में दिख रहा है फ्लैग, ये कहाँ का है बच्चों? ये इंग्लैंड का झंडा है। कहाँ का झंडा है? ये इंग्लैंड का झंडा है। अपने देश का झंडा कौन सा है? ये ट्राई कलर, जिसको तिरंगा बोलते हैं, तीन रंगों का है, ये हमारे देश का है, इसको इसलिए हमको क्या करना है, इस पर टिक करना है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसी पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे हम। अगर आपसे किसी ने पूछा विच इज़ आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? तिरंगा, या फिर ट्राई कलर भी बोल सकते हैं। ओके, विच इज़ आवर नेशनल फ्लैग, आप क्या बोलेंगे? ट्राई कलर। आप क्या आंसर देंगे? ट्राई कलर। और साथ साथ में आपको ये आंसर भी और क्वेश्चन भी लर्न करते रहना है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड सेंटेंस में लिखा है आवर नेशनल एम्ब्लम। आवर नेशनल एम्ब्लम प्रतीक या चिन्ह। तो हमारे राष्ट्रीय एम्ब्लम, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो ये देखिए बच्चों, ये आप सब ने अपने घरों में कहीं जब कोई शुभ काम होता है, कोई अच्छा काम होता है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? स्वास्तिक। ये स्वास्तिक बनाया जाता है, और ये स्वास्तिक क्या होता है? ग्रंथों में इसको जो है बहुत ही शुभ माना गया है, और ये क्या करता है? ये हमको पॉजिटिव संदेश देता है। और ये जो होता है ये क्या है? अशोक स्तंभ, ये वीरता का पहचान है। और ये क्या है? यही हमारा नेशनल एम्ब्लम है। क्या है बच्चों? नेशनल एम्ब्लम, राष्ट्रीय प्रतीक, यही है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, अशोका स्तंभ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अशोका स्तंभ, अशोका पिलर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो ये बताइए अब आप, अगर आपसे अब कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच इज़ आवर नेशनल एम्ब्लम, विच इज़ आवर नेशनल एम्ब्लम, तो आप क्या बोलेंगे? अशोका पिलर इज़ आवर नेशनल एम्ब्लम। या फिर आप वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं, अशोका पिलर। क्या बोलेंगे बच्चों? अशोका पिलर। विच इज़ आवर नेशनल एम्ब्लम? अशोका पिलर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड है आवर नेशनल एनिमल। आप सबको पता है, सॉरी एनिमल नहीं है, फ्लावर है। थर्ड में है आवर नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय पुष्प, हमारा राष्ट्रीय फूल। तो राष्ट्रीय फूल कौन सा है? देखिए ऑप्शन में दो फूल दिख रहे हैं, बने हैं। फर्स्ट ऑप्शन पर है लोटस मीन्स कमल, एंड सेकेंड ऑप्शन पर है गुलाब, रोज। तो जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, नेशनल फ्लावर है, कौन सा है बच्चों? लोटस। क्या है? लोटस। तो क्या करेंगे हम? टिक करेंगे लोटस पर। किस पर टिक करेंगे? लोटस पर। विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर? लोटस। क्या बोलेंगे आंसर आप? लोटस।
और आप अगर ऐसा भी क्वेश्चन हो पूछ लेता है कोई, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लावर, हमारे राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है, ये क्वेश्चन, और विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं लेकिन आंसर दोनों का सेम होगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पहले क्वेश्चन में व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल फ्लावर, हमारे राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है, फिर तब भी आपको लोटस ही बताना है, और अगर कोई पूछता है विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर, आपके राष्ट्रीय पुष्प, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तब भी आप क्या बताएंगे, लोटस ही बताएंगे। तो ये है हमारे ऐसे सारे क्वेश्चन, ऐसे सब में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आवर नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल एम्बलम, आवर नेशनल फ्लावर, ये सारे क्या है, हमारे राष्ट्रीय सिंबल्स हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ है आवर नेशनल एनिमल, आवर नेशनल एनिमल, हमारा राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों। तो देखिए एक में क्या बना है, टाइगर और एक में लायन। तो हम सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, लायन मीन्स क्या होता है बच्चों, शेर, और टाइगर मीन्स चीता। तो देखिए दो ऑप्शन है ए एंड बी, ए में टाइगर एंड बी में लायन, आवर नेशनल एनिमल कौन सा है, तो क्या है हमारा बच्चों, टाइगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है, सही है, तो ए पर हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल, या फिर दूसरा क्वेश्चन विच इज़ आवर नेशनल एनिमल, दोनों क्वेश्चन सेम है और दोनों का आंसर भी सेम ही होगा। विच इज़ आवर नेशनल एनिमल, टाइगर, तब भी आप टाइगर ही बोलेंगे। अगर कोई पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर नेशनल एनिमल, फिर भी आप क्या बोलेंगे, टाइगर ही बोलेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ एंड लास्ट, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। आवर नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बच्चों, दो ऑप्शन है, एक में कबूतर है और एक में मोर है। कबूतर को बोलते हैं पीजन एंड मोर को क्या बोलते हैं, पीकॉक। तो हम सबको पता है कि जो हम राष्ट्रीय बर्ड है, नेशनल बर्ड है, वो कौन सा है, पीकॉक है, मोर है, क्या है बच्चों, पीकॉक, ये हमारा राष्ट्रीय बर्ड है। ओके, तो ये हमारे हो गए बुक के क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं, जो हमने अभी कंप्लीट किए हैं और लर्न किए हैं। और बच्चों आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको बस और सिर्फ इसको लर्न करना है, नेशनल एम्बलम, नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड और नेशनल नेशनल फ्रूट। नेशनल फ्रूट कौन सा है बच्चों, मैंगो, क्या है, मैंगो, मैंगो इज़ आवर नेशनल फ्रूट, जो आम है वो हमारा नेशनल फ्रूट है। नेशनल फ्रूट कौन सा है बच्चों, मैंगो, ये भी आपको याद रखना, जो आपके बुक में नहीं है फिर भी आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। और बताइए बच्चों, नेशनल ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है बच्चों, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बनयन, क्या है बच्चों, बनयन, तो आपको याद रखना ये भी। ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। और हमारे नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान जिसको बोलते हैं, जो हमेशा स्कूल जब खुलता है तो हर एक इम्पॉर्टेंट ओकेज़न पर, जब स्कूल में कोई भी जो ओकेज़न पड़ता है, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, हर एक मतलब इसको ओकेज़न पर क्या होता है, ये मनाया जाता है। और स्कूल में तो डेली ही इसको जो है गाया जाता है। तो ये कौन सा है बच्चों, जन गण मन, जन गण मन इज़ आवर नेशनल एंथम। ये सारे क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। आई होप आपको अच्छे से इस सब चैप्टर के, इस सब क्वेश्चन के आंसर आपको लर्न होंगे और इसको आपको लर्न करेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको वीडियो देखकर सबको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू।